हेलो फ्रेंड्स मैं रुखसार नालंदा जी एस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूं मैं फिर से लेकर आई हूं आपके लिए टेन क्वेश्चन सीरीज़ अगर आप इसी तरह हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें इस वीडियो की पीडीएफ आपको नालंदा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी चलिए आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ने कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए भारत सरकार से की डाटा बिल से छूट की मांग फ्रेंड्स आपके ऑप्शन हैं ए नीति आयोग बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय सी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण डी विश्व व्यापार संगठन फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए भारत सरकार से की डाटा बिल से छूट की मांग यू इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार अधिनियम 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा निम्न में से किस आयोग के द्वारा जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चालीस करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है आपके ऑप्शन हैं दोस्तों ए योजना आयोग बी शिक्षा आयोग सी नीति आयोग डी स्वास्थ्य आयोग फ्रेंड्स हमारा राइट right ऑप्शन है नीति आयोग यानी कि हमारा सी सही ऑप्शन है नीति आयोग के द्वारा जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 30 प्रतिशत आबादी या 40 करोड़ लोग जिन्हें मिसिंग मिडल कहा जाता है स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से वंचित हैं चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है आपके ऑप्शनस हैं ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सी रेल मंत्रालय डी शिक्षा मंत्रालय फ्रेंड्स हमारा राइट right ऑप्शन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है इसके साथ ही भारत सरकार भारत महासागर मिशन में अमेरिका रूस फ्रांस जापान और चीन जैसे देशों के साथ इलीट क्लब में शामिल हो गया है चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा हाल ही में किस मंत्रालय ने देशभक्ति गीत लेखन लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए तीन राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं शुरू की हैं आपके ऑप्शन से ए शिक्षा मंत्रालय बी खेल मंत्रालय सी संस्कृति मंत्रालय डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय फ्रेंड्स हमारा राइट right ऑप्शन है सी संस्कृति मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में देशभक्ति गीत लेखन लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए तीन राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं लॉन्च की हैं ये प्रतियोगिताएं कुछ महीनों तक यूनिटी इन क्रिएटिविटी के रूप में चलेंगी और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर no. है हमारा निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में फिनटेक या वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए जल्द ही उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है आपके ऑप्शन है ए केरल सरकार बी पंजाब सरकार सी गुजरात सरकार डी कर्नाटक सरकार फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है डी कर्नाटक सरकार सी एन अश्वत्थ नारायण के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने राज्य में फिनटेक या वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए जल्द ही उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है राज्य सरकार ने कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की मदद से शहर में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की भी योजना बनाई है चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा भारत और इसराइल ने कार्य समूह की कौन सी बैठक के दौरान रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है आपके ऑप्शन से ए ग्यारहवीं बैठक बी पंद्रहवीं बैठक सी अठारहवीं बैठक डी पच्चीसवीं बैठक फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है पंद्रहवीं बैठक भारत और इसराइल ने हाल ही में पंद्रहवीं कार्य समूह की बैठक के दौरान रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है उन्होंने एक सब वर्किंग ग्रुप बनाने का भी फैसला किया है यह कार्य समूह दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच एक शीर्ष निकाय है चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है हमारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है आपके ऑप्शन हैं दोस्तों ए दो नवंबर बी तीन नवंबर सी चार नवंबर डी पाँच नवंबर फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है दो नवंबर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष दो नवंबर को विश्व भर में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है यह दिवस पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक सजा दर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट थे हमारा इनमें से किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है आपके ऑप्शन हैं ए पाकिस्तान क्रिकेट टीम बी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम सी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम डी नेपाल क्रिकेट टीम फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है सी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अस, असगर अफगान ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है उन्होंने अपना लास्ट अंतर्राष्ट्रीय मैच 31 अक्टूबर 2021 को नामीबिया के खिलाफ खेला था चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है हमारा इटली में आयोजित जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन को अगले वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा आपके ऑप्शन हैं दोस्तों ए भारत बी अमेरिका सी इंडोनेशिया डी रूस फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है सी इंडोनेशिया हाल ही में इटली में आयोजित जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का समापन हुआ है इस सम्मेलन का आयोजन अगले वर्ष 2022 में इंडोनेशिया 2023 में भारत और वर्ष 2024 में ब्राज़ील में किया जाएगा इस जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के दिल्ली के प्रगति मैदान में, में होगा जिसके लिए प्रगति मैदान को को नए सिरे से विकसित किया जा रहा है चलिए दोस्तों अब अगले अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन थे हमारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है आपके ऑप्शन से हैं ए उज्बेकिस्तान बी ईरान सी इराक डी अफगानिस्तान फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है ए उज्बेकिस्तान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव की निगरानी के लिए उज्बेकिस्तान में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया भारतीय टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में चुनाव की देखरेख की है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जी को चुनावों में 80 परसेंट से अधिक वोट मिले और उन्हें दूसरे पाँच साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ अब अगले दिन नई जानकारी के साथ मिलूंगी धन्यवाद